अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गवर्नमेंट में कैबिनेट डिवीजन में नई भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है और क्या एज लिमिट रखी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन बर्वक हासिल होती रहे। पहली जो असामी है वो असिस्टेंट की है, इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 18 से 28 साल ए लिमिट है। टोटल पोस्टें हैं जो 19 हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की है, जो कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का टेक्निकल का, और ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। 18 से 25 साल ए लिमिट है और इसकी टोटल पोस्टें 1 हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट आईटी की है, जो कि सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए सी ग्रेड के साथ, और आईटी का आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। 18 से 25 साल ए लिमिट है, ये भी एक पोस्ट है। ओपन पैरेट पे मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब और आल सिंध और आल बलूचिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ए लिमिट की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट की है, जो कि साइंस के साथ ग्रेजुएशन पास या आप लोगों को इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के साथ पास होनी चाहिए। 21 से 25 साल ए लिमिट है और पंजाब से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेनोटाइप की है, जो कि इंटरमीडिएट होना चाहिए और आप लोगों के कंप्यूटर पे टेस्ट भी लिया जाएगा टाइपिंग का। तो 18 से 25 साल ए लिमिट है और इसकी टोटल जो पोस्टें हैं वो 25 हैं। तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 1 मिनट में 40 लफ्ज होने लाजमी हैं। इसके बाद साउंड रिकॉर्डर्स की है, जो कि 3 साल का आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैट्रिक पास होना लाजमी है। 18 से 25 साल इसमें ए लिमिट है। इसके बाद DEO की है, जो कि सेकेंड क्लास ग्रेड सी के साथ बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, इसमें 18 से 25 साल ए लिमिट है और टोटल पोस्टें 4 हैं। इसके बाद UDC की है, जो कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, 18 से 25 साल ए लिमिट है। इसके बाद LDC की है, जो कि मैट्रिक पास में होने चाहिए और आप लोगों की टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में 30 अल्फाज हर मिनट होने चाहिए। 18 से 25 साल ए लिमिट है और इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 20 हैं। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे क्वार्टर वाइज लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने उसको रीड डाउन कर लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वार्टर में अप्लाई करना है। इसके बाद स्टाफ कार की है, जो कि प्राइमरी पास होने चाहिए, LTV या LTV लाइसेंस होना लाजमी है, 18 से 30 साल ए लिमिट है। इसके बाद डिस्पैच राइडर की है, जो कि प्राइमरी पास होना चाहिए और लाइसेंस होल्डर को तरजीह दी जाएगी, इसमें लोकल इस्लामाबाद के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद DMO की है, जो कि प्राइमरी पास होने चाहिए, 18 से 25 साल ए लिमिट है। इसके बाद नैबकासी की है, जो कि प्राइमरी पास होना चाहिए, लोकल इस्लामाबाद की अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चौकीदार की है, क्लीनर की है, स्वीपर की है और आया की है, इनमें सब में 18 से 25 साल ए लिमिट है और प्राइमरी पास होने लाजमी है। ये सब जो क्लास 4 की भर्ती हैं वो इस्लामाबाद के लोकल डोमिसाइल होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका है, जो आप लोगों ने इनकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड कर देना है। तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के इनके दिए गए पते पर आप लोगों ने 8 साल का देने हैं। तो आप लोग WW कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पे आप लोगों को इनका फॉर्म मिल जाएगा, या WWNGP की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप लोगों को इनका फॉर्म मिलेगा। तो आप लोगों ने उसको सबमिट करवाना है इनके दिए गए पते के अंदर 15 दिन के अंदर आप लोगों ने इनके 8 साल करना होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको हर निभाने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन बर्वक वसूल होती रहे। शुक्रिया दोस्तों।